अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सल्लू की दुनिया। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो अभी मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं और वो लोग स्कूल जा रहे हैं। अभी मैं लोग को छोड़ दूँगी, फिर घर का जो भी काम है वो कर आपसे वापस मिलूँगी। देखिए ये मेरे बच्चे नीचे उतर चुके हैं, स्कूल के लिए वो जा रहे हैं। मिलके एई शोना, साइड हो जाओ बेटा, उधर ड्रेनेज को ओपन है पूरा। जाओ पक्का हाथ पकड़ो, मुड़े मुड़े तक देखते हैं अम्मी को। तो बच्चे तो अभी चले गए हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। तो घर का सारा काम मैं निपटा कर अभी थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठी हूँ। उसके बाद एक 5 to 10 minutes मैं बैठूँगी, आपसे बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूँगी इसी 10 minutes में। वैसे तो मॉर्निंग टू इवनिंग तक हम होममेकर को कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठकर फिर वापस अपने काम पर चढ़ूँगी। घर का किचन का तो सारा काम हो चुका है, अभी जो भी बैलेंस घर का काम है वो अभी मैं देखूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे जहाँ होते पसारा तो वहाँ पर, सामान इधर उधर होना तो लाजमी बात है, तो हम लोग को वो समेट कर रखना है। अभी वो लोग आने तक मैं सारा घर का काम अच्छी तरह से निपटा लूँगी। जब वो वापस आ जाएंगे फिर वापस से काम फिर शुरुआत से होकर रह जाता है, क्योंकि वो लोग जितना भी अपन नीट रखो घर, वापस से फिर वही खेल कर यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ करते ही रहते हैं। तो बताइए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सल्लू की दुनिया। अभी देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे बुक्स जो भी हैं मैं डेली से अरेंज करके रखती हूँ, फिर ये सेम वही ऐसा कर रख देते हैं, तो मैं फिर से इसे अरेंज कर लूँगी। और नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, टर्म बुक्स जो भी है ये सिर्फ ये लोग के ट्यूशन के लिए हैं। वैसे तो लॉकडाउन था जब वो लोग तो घर में ही पड़े थे, अभी ये एक्स्ट्रा मैं ही लाकर रख लेती हूँ, क्योंकि वो लोग का अगर लीजर टाइम रहा या संडेज में कभी वो खाली रहे तो उनके लिए कुछ एक्टिविटी वर्क भी मैं उन्हें लाकर रखती हूँ। तो ये सारे बुक्स वही है और एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए नोटबुक्स है। जो मैं सैम्पल कॉपीज़ होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, कभी मैं आपको वो मार्केट भी बताऊंगी, वहाँ से मैं बच्चों के लिए बहुत सारे किताबें लाकर रखती हूँ ताकि उनका टाइम में से कुछ टाइम पढ़ाई के लिए निकल जाए। कितना भी हम घर को साफ कर लो वो तो फिर वापस से वहीं पर रहता है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना मैं साफ कर रखूँ। मैंने बच्चों का बैग ऑलरेडी पैक कर दिया था, फिर भी वो लोग अपनी ये नोटबुक भूलकर चले गए। निकलने निकलने तक वो लोग मुझे कुछ ना कुछ काम ऐसे ही लगाते रहते हैं, हर घर के बच्चे ऐसे ही करते हैं। देखिए अब मैं पुराने नोटबुक्स, न्यू नोटबुक्स जो भी है लोग सारे के सारे मिक्स कर रख दिए, तो मैं इन्हें अरेंज कर रही हूँ। तो अब ये बुक्स को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है, यहाँ पर मैंने रखे हैं नोटबुक्स
और यहाँ पर मैंने सारे टर्म बुक्स और टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर रखे हैं। अब ये मैं इस तरह अरेंज कर देती हूँ, फिर आने के बाद जिस तरह पहले रखे हुए थे उसी तरह रखे हुए रहेंगे, या फिर इधर उधर उधर जहाँ पर भी उन लोग का मन चाहे वहाँ पर वो फेंक देंगे, जहाँ पर लिखते वो लोग वहीं पर छोड़ देते। तो अब मैं जाहिर सी बात है मैं कह रही हूँ आप सबसे के शादी है मेरे बहन की, तो उन लोग के शॉपिंग चल रही है और मैं बच्चों के लिए मंजों के लिए ड्रेस सी रही हूँ। मुझे स्टिचिंग तो उतनी ज़्यादा नहीं आती, फिर भी थोड़ा बहुत आती, तो मैं फ्रॉक्स कट करके रखी थी मेरे बेटियों के लिए, तो मैं आज इसे सी दूँगी। सीने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने सिया है। ये मैंने कट कर कर पीसेस रखे हैं तो मैं इन्हें अभी सीती हूँ, तो आपसे बताऊंगी कि सीने के बाद ये फ्रॉक्स कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट्स कर कर बताइए कि मैंने इसे स्टिच कैसे किया है। तो चलिए अब इसे हम सीते हैं। तो मैं अभी ये सुई में धागा डाल लूँगी, उसके बाद मैं स्टिचिंग करना शुरू करूँगी। मुझे तो स्टिचिंग नहीं आती थी, हाल हाल में ही मैंने 1 मंथ जाकर बेसिक कोर्स स्टिचिंग का लिया था, उसके बाद मुझे मुश्किल हो रहा था यहाँ से वहाँ जाना। ऑलरेडी हम ऊपर रहते, लिफ्ट भी नहीं है, तो मैं घर पर ही देखकर नेट पे से थोड़ा बहुत सीखी हूँ। धागा बार बार टूट जा रहा है इसका, ये मोटा है ना जो झालर हम लगा रहे हैं, तो धागा बार बार टूट जा रहा है। मैं देखूंगी इसका धागा बार बार टूट रहा है। यहाँ पर क्या है, सिवन जो अपन झालर देते हैं, ये देख रहे होंगे आप सब, इस वजह से इसका तागा ये बार बार टूट जा रहा, तो मैं पूरा सिलने के बाद ही आप सबको बताऊंगी। फिर टूट गया तागा। काफी टाइम हो चुका है, बहुत देर से मैं सी रही हूँ, तो एक फ्रॉक मैंने सी दिया है, अभी दूसरा भी एंड पर है। ये तागा बार बार टूट जा रहा है क्योंकि मेरी मशीन छोटी है और ये फ्रॉक ज़रा घेरे वाला फ्रॉक है, तो इसलिए तागा कभी तागा टूट रहा है, कभी सुई टूट रही है चमकी में इसके अटक अटक कर। तो फिलहाल अब जो भी है, अभी मेरी स्टिचिंग एंड पर आ चुकी है, अभी ये हो जाएगा। अभी मेरी ये स्टिचिंग फिनिश पर है, अभी ये लास्ट धागा भी टूट गया और मेरी स्टिचिंग भी अब ख़त्म हो गई। जो सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उन्हें मैं कट कर लूंगी। तो ये दो फ्रॉक्स मैंने सिए हैं, ये है मेरी बड़ी बेटी का फ्रॉक और ये वाला है मेरी छोटी बेटी का फ्रॉक। इसमें कोई जॉइंट नहीं है इसीलिए मैंने इसे सादा ही रखा है। ऑलरेडी ये चमकीदार है तो इसे किसी की भी ज़रूरत भी नहीं है कुछ ऐड करने की,
इन्हें भी मैंने ये लगा लिया है, इस तरह से फुल घेरा है। ये लॉन्ग गाउन मैंने सिए हैं, देखिए किस तरह से ये लोग का घेरा भी काफी बड़ा है। ये फ्रॉक्स किस तरह से लग रहे हैं आप इन्हें कमेंट्स कर बताइए कि मैंने स्टिचिंग किस तरह से की है। ये रही मेरी चाय, गाढ़ी वाली टेस्टी वाली चाय जो रेगुलर मुझे इसकी आदत हो। तो अभी बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो चुका है, तो मैं अभी जा रही थी। वीडियो एडिट करते करते मुझे थोड़ी सी आंख लग गई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। नहीं, मैं ही मुझे ख्याल आया, नहीं अभी बच्चों को लाने का वक्त हो रहा है। देखते देखते अभी टाइम हो चुका है, ये देखिए। थ्री थर्टी हो रहे हैं, तो अभी मैं निकलूँगी बच्चों को लाने के लिए, उनको वापस लाकर फिर उनके साथ मैं आपसे मिलूँगी। रास्ते में ड्रेनेज वर्क चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रोड डालने का काम चल रहा था, अभी वो लोग सारे ड्रेनेज को ओपन कर बना रहे हैं, तो अभी रिस्क ज़्यादा है। तो रास्ते का मैं अभी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भागते रहते हैं, तो उन्हें मुझे संभाल कर लाना है। और अगर मौका मिला तो मैं रास्ते का भी शूट करूँगी, वरना घर आने के बाद मैं आपको वापस उनके साथ में मिलूंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ के जितने भी ड्रेनेज है इसी तरह से काम चल रहा है। बच्चे भी अभी मैं वापस लेकर आ गई हूँ। वो कहीं को देख रहे थे आपके खाने को, मेरे को क्या मालूम बोला था। वो लगाओ डोर, आप आते कि शुरू हो गई बदमाशी। खाए फिर आप लंच करे, थोड़ा कहीं को खाए, पूरा कहीं को नहीं खाए। अरे हमें थोड़ा है टिफिन में। नहीं बेटा, टिफिन बनते कहीं को बोलो। पूछ रहे अम्मी कुछ, पूछो बोलो। टिफिन बनते कहीं को फिर वापस घर को लेकर आओ बोल के। हाँ फिर बोलो, आपसे कुछ पूछ रहे अम्मी आपके। अब कल से नहीं बनते टिफिन, वो छोड़ो। शिमोना रख डालो, चॉकलेट्स रख डालो। आप देखो आपके दोनों के फ्रॉक्स ही है, अम्मी तय करके भी नहीं रखे उसको। आप आए बात फिटिंग कैसी है देखने के लिए। नहीं वो रख डालो, चॉकलेट्स रख डालो आप। चलो फटाफट मुंह धो लो। नहीं बोले, चलो फटाफट चेंज। शुमोना चलो चेंज करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए स्लीपर्स लेने के लिए। स्लीपर्स सैंडल्स चाहिए था हमको, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सिकंदराबाद की तरफ। अभी उनके अब्बू करीब नहीं आए, जब वो आ जाएंगे हमें फ़ोन करेंगे तब हम नीचे उतरेंगे। अभी उनके अब्बू रास्ते में हैं, तब आ जाएंगे तब हम लोग नीचे जाएंगे। क्या हो रहा बेटा? क्या होना जी? लिपस्टिक का चलो
हाथ पकड़ो जी, वहाँ पर भी है और एक गटर ड्रेनेज का, वहाँ पर भी ढक्कन खुला हुआ है। संभल के साइड से चलो। यहाँ से चलो, सूखा है। फिर वहाँ का एक चढ़ रहे बेटा, बदमाशी, जाओ गिरेंगे शिमोला। तो ये हम लोग सैंडल्स देख रहे थे, मेरे पैर का साइज काफ़ी बड़ा है तो मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग सिकंदराबाद पहुँच गए थे, वहाँ पर मेरा साइज नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से चार मीनार चले गए। वहाँ से हम लोग ने बच्चों के लिए सैंडल्स और मेरे लिए ख़रीद लिए। तो कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैं व्लॉग को अब यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सबके साथ मैंने क्या शॉपिंग की है शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, फिर मैं आपके साथ में जो भी मेरी और मेरे बच्चों की शॉपिंग हुई है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सल्लू की दुनिया।